आउिम बसिमा माई सैलबिलहदा टुडे वी आर गोइंग न्यू चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन तो पहले हम फ्रिक्शन की ये है चैप्टर फोटी पेज नंबर वन सेवेंटी फोर का लास्ट है एट तो पहले हम फ्रिक्शन की ओर जाएंगे फ्रिक्शन होती क्या है इसकी हम डेफिनेशन करेंगे एंड अपोजिंग फोर्स कार्ड इन टू प्ले इन कन्टेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटिव टू वन एन अदर इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन ये वो अमल है जिसमें किसी चीज़ का दूसरे चीज़ से कंटेक्ट होकेस्म का फोर्स पैदा होता है जिसको हम फ्रिक्शन या रगड़ कहते हैं वैन एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड एंड टू प्ले वन टू सरफेस इन कंटेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटिव टू वन एन अदर इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन पैदा किस तरह होती है अगर हम फ्रिक्शन की ओर जाएंगे फ्रिक्शन कशिक गसन पौधे पैदा किस तरह होती है हाउ एवर स्मूथ दस वेन टू बॉडीज़ आर प्लेस्ड अपॉन वन एंड अदर जब हम दो बॉडी को दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे द इरेगुलरिटीज ऑफ ऑफ द एक ही सरफेस एक किस्म की खुरदरी होगी दूसरी की सरफेस थोड़ी सी प्लान होगी या किसी किस्म की होगी द इरेगुलरिटीज ऑफ दिस सर्फेजू बॉडीज इंटरलॉक एज शोन या इंटरलॉक करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ी बहुत शक्ल दिखाई गई है तो देखो इरेगुलरिटीज इन सर्फेस या इंटरलॉक हो जाएंगे तो इससे अगर हम इस, इसको फोर्स करेंगे या इसको फोर्स करेंगे पुल या पुश करेंगे तो इस, इसमें एक किस्म की रगड़ पैदा हो जाएगी यहाँ इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं तो यहाँ से यहां से यहाँ तक कि इंटरलॉक होती है ये सर्फिस इंटरलॉक हो जाती है एश हो फिगर इस फिगर में दिखाई दिखाया गया है वेन इन फोर्स अप्लाइड ऑन वन बॉडी टू सलाइड इट अपॉन अनादर बॉडी जब इसको फोर्स लगाएंगे फोर्स करेंगे ऊपर वाली बॉडी को ताकि ये स्लाइड हो जाए ताकि ये चल जाए ऊपर से फ्लाइड फोर्स ऑन वन बॉडी इज अपॉन अनादर बॉडी इट इज़ इंटरलोकड इरेगुलरटीज अपोज द अप्लाइड जिसमें जो इरेगुलरिटीज होती है यहाँ से यहाँ कर ये यह अपोज करेंगे ये इसको आगे जाने नहीं देंगे विच अपियर्स टू आस इन द फार्म फ्रिक्शन यही एक किस्म की फ्रिक्शन हमारे हमारे दरमियान इन दो इन दोनों दु, के दरमियान पैदा हो जाती है ओके okay? आज के लिए इतना ही शुक्रिया